Today I'm going to revise images, cartoons, caricatures given in your history and civics book. Is it clear? इनमें से भी क्वेश्चन आने हैं तो यू हैव टू रिवाइज ऑल. अब आपको बुक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपको आते होंगे. नो प्रॉब्लम वाइल डूइंग दोज क्वेश्चन बिकॉज यू हैव रिवाइज सो मेनी टाइम्स. अब प्रॉब्लम आनी है यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, क्योंकि वो कोई भी इमेज देके पूछते हैं कि इमेज किसको डिपेक्ट कर रहा है. फोर ऑप्शंस विल बी गिवन देयर, तो वो फोर ऑप्शंस भी मिलेंगी आपको. आपने अपने आप गैस नहीं करना, देखो फिर भी इजी लगेगा कि आपको ऑप्शंस के साथ उसमें से आपने सेलेक्ट करना है. अब ये देखे साथ में आपको पूछा जाए मिरर हॉल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट या फिर फोर प्रिंस ऑफ फ्रेडरिक सोरियो, तो आप एक मिनट में पहचान जाओगे अगर आपने ध्यान से इसे देखा तो. ठीक है, आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं कि सेंटर में एक स्टैचू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. कौन सा स्टैचू? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन द फॉर्म ऑफ फीमेल फिगर. एक हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन. दूसरे हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. तो ये बिफोर द स्टैचू ये पूछ सकते हैं. स्टैचू के आगे क्या है? शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस इंस्टीट्यूशंस. तो इसको प्लीज ध्यान से करना है. और हियर टर्म्स आर गिवन एब्सोल्यूटिस एंड देन अथोपियन. दीज टर्म्स आर गिवन, यू हैव टू रीड दीज टर्म्स. देन कम हियर अर्नेस्ट रेनन, इसके बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, कौन है वो? तो आपने बताना है कि सोर्बन यूनिवर्सिटी का लेक्चरर या फिर फ्रेंच फिलोसफर, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं. लेक्चरर ऑफ सोर्बन यूनिवर्सिटी, नीचे फोर नेम होंगे. या फिर आपको पूछ सकते हैं हु वाज अर्नेस्ट रेनन, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंच फिलोसफर है. अगर मैं कहूँ जर्मन फिलोसफर, फिर जर्मन ना हो जाए, वो फ्रेंच रहना चाहिए, फ्रेंच फिलोसफर. इज इट क्लियर? तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. देन प्लेबिस्काइट का मीनिंग आना चाहिए. हियर प्लेबिस्काइट वर्ड इज गिवन, डायरेक्ट वोट बाय विच होल इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल. कल को मैं बोलूं ध्रुव गुप्ता को हमने बनाना है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास. ठीक, तो ये प्रपोजल आपके सामने आई है. इट डिपेंड्स अपॉन ये सारे आप होल इलेक्टोरेट हो. ठीक, आप इलेक्टोरेट हो, सारे लोग आप इलेक्टोरेट के मेंबर हो इस एरिया के. अब ये आपके पास ऑप्शन आई टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल के ध्रुव गुप्ता को हमने बनाना है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास. डिपेंड अपॉन योर विश, से यस और नो. जो आपका डिसीजन होगा से यस यस. अगर आपका जो डिसीजन होगा दैट विल बी फॉलोड. ठीक है, वो फॉलो होगा. तो इट मीन्स, what do you mean by plebiscite? Direct vote by which whole electorate is asked to accept or reject the proposal. तो ये आपको सारा learn करना है, ये आपको पता होना चाहिए. Learn means reading. मैं ये नहीं कह रही cramming करो, कुछ भी नहीं cram करने वाला. Next, अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, ये किसको किसका cover है? ये German almanac का, almanac ritual calendars, ritual calendars, German almanac. Designed by journalist Andreas Rebmann in 1798. ये देख के आपको पूछ सकते हैं कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जर्मन अलमैनक किसने डिजाइन किया? रेबमैन वर्ड लर्न रखो बस, रेबमैन. ठीक, तो नेक्स्ट इज रेबमैन जो है मेन सिटी में रहता था. ठीक है, एंड वाज जैकोब मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब. ही वाज मेंबर ऑफ मीन्स. आपको इस पैराग्राफ की लाइट से एक रीडिंग लेनी है ताकि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो यू कैन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इज इट क्लियर? रेबमैन वाला आपको लर्न करना है. ये पिक आपको बतानी चाहिए किसकी है, जर्मन अलमैनक रिचुअल कैलेंडर्स. तो ये तो आपको सारा आता ही है बिकॉज यू हैव डन. आइडिया ऑफ लॉ पैट्री ली सिटियोन सबको आते हैं. ठीक है, लॉ पैट्री मीन्स वैसे फादरलैंड, ली सिटियोन मीन्स सिटीजन्स. अब यहाँ पे मैप, मैप नहीं देंगे, वैसे ये बताया क्या हुआ है किसका मैप है. हाँ ये पूछ सकते हैं कौन से कॉन्टिनेंट का मैप है. यूरोप, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, यूरोप का मैप है. अगर मैं यहाँ पे कह दूं बच्चा देख के ही ना जाए ये वाला मैप, तो वहां पे लिखो इट्स दिस मैप रिप्रेजेंट्स डैश कॉन्टिनेंट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया.
तो अगर देखा आएगा एक मिनट, वैसे तो कंट्रीज पढ़ के ही पता चल जाना, तो हो सकता है वो कंट्रीज दे ही ना, सिर्फ आपको ड्राइंग दे दें, तो आपको यूरोप की पहचान होनी चाहिए. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जो बुक में है सब कुछ आना चाहिए, बिकॉज ओनली वन चैप्टर इज देयर. नेक्स्ट इज प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी. ये देखो ट्री ऑफ लिबर्टी है ये, आपको ये पिक देके पूछ सकते हैं ये ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज अ ट्री ऑफ, ट्री ऑफ लिबर्टी. दिस इज अ ट्री ऑफ लिबर्टी ट्री है ये, ठीक है, आपको ये यहाँ पे लर्न रखना है. नेक्स्ट इज, अब ये आप एक बार पैराग्राफ पढ़ोगे. आपको मेरिटोरियस स्टूडेंट को यहाँ से एक असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया था, कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, याद आ गया? ठीक है, ये आपको एक बार इस इमेज को देखना है, ये लिबर्टी ऑफ लिबर्टी है, एक बार इस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है, ताकि उस दिन यहाँ से एक क्वेश्चन था कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, ठीक है, तो जिसने ये इमेज प्रिपेयर किया कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, तो आपको इस वे से इसको लर्न करना. नेक्स्ट इज ये कोरियर, कि कौन कोरियर, कौन कर रहा है ये कोरियर, कौन रोल प्ले कर रहा है उसका, नेपोलियन, नेपोलियन है ये कोरियर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेपोलियन. कोरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्ज़िग. लिप्ज़िग लॉस्ट कौन से ईयर में, अभी ये पूछ सकते हैं ना, कौन से ईयर में लिप्ज़िग की बैटल वो हारा, 1813. लिप्ज़िग की बैटल नेपोलियन गॉट डिफीटेड इन विच ईयर, बिकॉज इट्स गिवन हियर, 1813 में वो लिप्ज़िग की बैटल हारा है, तो ये कोरियर कौन है, नेपोलियन, तो ये पता होना चाहिए ये भी. नेक्स्ट इज यहाँ पे नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797, बाकी सारे ईयर्स आपने अपने किए हुए हैं, लीव इट, बाकी आप सारा लेसन में पढ़ चुके हो सारे ईयर्स. नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन 1797. अब एक मिनट, नेपोलियन ने अपनी वॉर कौन से ईयर में स्टार्ट की, जबकि बुक में आप कहीं पे भी नहीं पढ़ते कि नेपोलियन ने 1797 में, बट ये चीज तो बता रही है ना कि 1797 में उसकी वॉर स्टार्ट हुई. लिप्ज़िग की वॉर में कब हारा वो, 1813. तो यू हैव टू लर्न ऑल. स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर इन विच ईयर, 1905. इट्स गिवन हियर, इज इट क्लियर, इट्स गिवन हियर. नेक्स्ट, सफरेज मीन्स राइट टू वोट, ये सब आपने किए हुए हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे आनी है. अब यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट का नेम है, क्लियर, नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट ज़ोलब्रिन के साथ कौन सा इकोनॉमिस्ट है, फ्राइडरिच लिस्ट, फ्राइडरिच लिस्ट, फ्राइडरिच लिस्ट, ये इकोनॉमिक का प्रोफेसर, ठीक है, तो बुंगन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेम द इकोनॉमिस्ट, फ्राइडरिच लिस्ट, फ्राइडरिच लिस्ट, कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, बुंगन यूनिवर्सिटी, कहाँ पे, जर्मनी. अब बच्चा यहाँ पे फ्रांस लिखेगा तो जीरो. नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म, यूरोप वाज इन 19th सेंचुरी, यूरोप वाज ड्रिवन बाय कंजर्वेटिज्म, यूरोप वाज ड्रिवन बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिज्म आपको आता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरिकेचर ट्राइंग टू डिपिक्ट, ये वाला कैरिकेचर देखो, ये क्लब ऑफ थिंकर्स हैं, एनोनिमस कैरिकेचर है ये दिया हुआ, इसमें जो जो उन्होंने बताया, टेक रीडिंग, साइलेंस इज फर्स्ट कमांडर ऑफ इज लर्न सोसाइटी टू वाइड इवेंचुअली वेयर एज मेंबर ऑफ द क्लब में स्कर्म दैट temptation of speech muscles will be distributed to members upon entering. आपको एक चीज दिख रही है, सबके मुंह पे, सबके मुंह बंद है, बंद है ना, देखो ये ना क्या देना, इन्होंने मास्क पहने हुए हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, साइलेंस, हाँ, क्योंकि यूरोप में क्या चल रहा था, कंजर्वेटिज्म, बाकी सिर्फ उनके ऑर्डर्स को ही फॉलो करना है, साइलेंस, आप जो जो वो डिसीजन ले रहे हैं फॉलो देम, साइलेंस, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइलेंस, ये साइलेंट होके सब कुछ फॉलो करो. नेक्स्ट, अब यहां पे आ जाओ,
ये आप इधर एक ईयर है बस, बाकी आपको आता है गसप मेजनी है उसका कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है, यंग यूरोप इन बर्न है, ईयर मेंशनड है 1830 बिकॉज इट्स नॉट गिवन इन द बुक। प्रिंट बाय देखो गियाकोमो मेंटी, इतने इतने टफ नेम, एक बार रीडिंग ले लेना क्योंकि अगर वो देते भी हैं तो यू कैन राइट गियाकोमो, आप वर्ड लर्न रखो गसप मेजनी गियाकोमो। नेक्स्ट इज नो, यहाँ पे सारा आपको आता है व्हेन फ्रांस नीजेस यूरोप कैच इज कोल्ड, किसने कहा था, मीनिंग ऑफ दिस के अर्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज रिवोल्ट इन, तो यही जस्टिफाई करती है ना कोटेशन, ये आपने किया ही हुआ है। डिलेक्रोइक्स, हु वाज डिलेक्रोइक्स, ही वाज फ्रेंच पेंटर। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है 1824 का ही है, पता है ना कौन से ईयर में ये पेंटिंग बनाई, किसको इसमें क्रूअली किल्ड कर, किसको क्रूअल दिखाया है, तो क्रूअल कौन है यहाँ पे और कौन फेस कर रहा है वो क्रूएलिटी, ग्रीक्स, इट मींस ग्रीक्स वर क्रूअली किल्ड बाय टर्क्स एंड दिस इमेज, ये जो पेंटिंग है क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ अमंग द स्पेक्टेटर्स, इसको एक बार जरूर प्लीज पढ़ लेना। ये कौन से आइलैंड पे किलिंग दिखाई है, आइलैंड भी मेंशनड है, नेम द आइलैंड, चीयर्स, टेक रीडिंग। ये ईयर आपको लर्न करनी है, जॉन गॉटफ्राइड का बर्थ एंड डेथ दोनों बताए हुए हैं, जॉन गॉटफ्राइड फ्रेंच फिलोसफर, सॉरी जर्मन फिलोसफर, जॉन गॉटफ्राइड वाज, उसका बर्थ कब हुआ 1744, डेथ कब हुई 1803। अब आप कहोगे ऐसे वाले बिकॉज दीज आर गिवन, क्योंकि ये दिए हुए हैं तो ये पूछ सकते हैं 1744 1803 किसका ईयर है, ये जॉन गॉटफ्राइड, ही वाज जर्मन फिलोसोफर, लर्न दास बोल उसने किसके लिए यूज किया, एंड वॉक्स चीज, व्हाट इज नेशन स्टेट, व्हाट इज, हाँ ये प्लीज लर्न कर लेना। नेक्स्ट व्हाट इज नेशन, ग्रिम ब्रदर्स, ये साइड पे देखो जैकब एंड, जैकब एंड विलेलम, कहाँ के दोनों ब्रदर, जर्मनी, दोनों के ईयर बताए हुए बर्थ के 1785-86, सबको आता है ये कितनी बार किया हुआ है। 33 वॉल्यूम डिक्शनरी किस लैंग्वेज में पब्लिश की, कौन से ईयर में फोक टेल्स फेरी टेल्स पब्लिश किए 1812, बच्चों के लिए किया सब कुछ, फोक टेल्स फेरी टेल्स इन विच ईयर 1812, तो ये सारा यहाँ पे मेंशन है, यू हैव टू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट इज किसकी डोमिनेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई, फ्रांस, फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट लोगों, जर्मनी के लोगों को कहा कि रेज वॉइस अगेंस्ट द फ्रेंच डोमिनेशन। नेक्स्ट इज ये क्या डिपेक्ट कर रहा है, पीजेंट्स अपराइजिंग, क्या Peasants revolt, is it clear? 1848 Peasants revolt, ये वाली पिक किसको डिपेक्ट कर रही है, Peasants uprising 1848। Next, name the journalist who saw the event of Silesian revolt, Wilhelm Wolff, Wilhelm, date and time आपको सबको पता है। Next is who was Karl Wacker, member of Frankfurt, इलेक्टेड मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट, मींस वो पॉलिटिशियन था, वो पॉलिटिशियन था, ही वाज इलेक्टेड मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये देख लो सारा। लुईस ऑटो पीटर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ही वाज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड ही फाउंडेड वुमेन्स, ही फाउंडेड वुमेन्स, हु वाज लुईस ऑटो पीटर, लुईस ऑटो पीटर्स के बर्थ के ईयर्स मेंशनड है, बर्थ एंड डेथ ईयर्स मेंशनड है, फॉर एग्जाम्पल 1819 to 1895। अब हु पब्लिश्ड वुमेन्स जर्नल, लुईस ऑटो पीटर, एंड हु फाउंडेड फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन, लुईस ऑटो पीटर। फेमिनिस्ट का मीनिंग आना चाहिए आता है, पीपल हु बिलीव इन द इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड, तो वो कौन होते हैं फेमिनिस्ट, तो इस वजह से आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट फर्स्ट
वो आप एक बार टेक रीडिंग, हाँ उसका कौन से ईयर को न्यूज़पेपर ये वाला पब्लिश हुआ ये भी मेंशनड है, 21 अप्रैल 1849 ये भी मेंशनड है। आप एक बार तो लुईस पीटर वाले पैराग्राफ की रीडिंग लोगे, इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट इज नेक्स्ट फ्रैंक, नेक्स्ट इज फ्रैंक।